हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं एबडोम के एनेडमी बी डी चौरासी नंबर 19 आज शुरू कर रहा हूँ इस चैप्टर में दो ऑर्गन्स हमको पढ़ने हैं वेरी वेरी हाई इल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसली स्टमक अच्छा इसॉफिकस जो है ये अगर इस डायग्राम को देखें तो ये ऊपर थॉरेस से ट्रेवल करके नीचे आ रही होती है एबडेमन में एंटर होती है तो एक छोटा सा पोर्शन इसोफिकस का वो है जो एबडेमन में भी पाया जाता है और फिर ये ऑब्वियसली एंटर हो जाता है स्टमक में तो हमें इसॉफिकस को डिस्कस करना है और स्टमक को डिस्कस करना है आज के वीडियो में इसॉफिकस डन करते हैं एबडोमल पार्ट थॉरसिक पार्ट मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है ये रहा उसका लिंक इस वीडियो में देख लीजिएगा तो वो पार्ट इसोफिकस का जो एबडेमन में है आज का हमारा टॉपिक है स्टमक अगली वीडियोज में ओके सो

पोर्टो पोर्टोसिस्टेमिकोसिस बॉडी में देर आर सम वेयर यू हैव टू रिमेम्बर कहाँ उसका रीजन ये है कि अगर पोर्टल हाइपरटेंशन है लिवर में फाइब्रोसिस है सो बैक फ्लो प्रेशर की वजह से यहां इस एरिया में जो वेन्स हैं वो इंगोर्ज हो जाएंगी डायलेट हो जाएंगी ठीक है सो स्टमक और इसोफिकस का ये जो जंक्शनल एरिया है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसोफिकस का लोअर पार्ट जो है दैट इज अ साइट ऑफ पोर्टो पोर्टोसिस्टेमिक एनेस्टोमोसिसके

सो लेव दिस अगेन फॉर यू ताकि ये क्लियरली आपको नजर आ जाए सो so, ये लेफ्ट कैस्ट्रिक वेन है और ये ड्रेन होता है पोर्टल सिस्टम में बाकी ड्रेन होता है तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफिगस रन डाउनवर्ड एंड टू दिन द फ्रंट ऑफ द्रस ऑफ द डाय एंड ऑफ द इनफीरियर सर्फिस ऑफ ऑफ दिंग टू दर्डियक एंड ऑफ द स्टमक एट दफ दी इलेवन देखो टी पे एंटर हुआ वाया वाया द ओपनिंग इन डायफ्राम और टी इलेवन में ये स्टमक में एंटर हो गया इसलिए हम कहते हैं दी एबडोमलॉफिगस इज रफली अराउंड ओनली वन सेंटीमीटर ओके तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं थी जो समझ में ना आए देन द लास्ट पॉइंट इज के एंटर गैस्ट्रिक नर्व कंटेन्स मेनली द लेफ्ट चाहिए कि जो एंटीरियर और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्वे नर्व के फाइबर ट्रेवल करते हैं एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व में लेफ्ट और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व में राइट वेगल फाइबर इस इसोफिगस इसोफिगस के अगर हिस्टोलॉजी की बात करें ऑब्वियसली इट्स अ ट्यूब ना तो अगर इसको क्रॉस सेक्शन में देखेंगे सो इट विल अपीयर समथिंग लाइक दिस कि इसका एक ल्यूमेन होगा और इसकी कुछ कवरिंग जैसे सराउंडिंग एरियाज में होंगी सो so जब कभी जीआई ट्रैक्ट की हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं

नेक्स्ट टू द ल्यूमेन ओके सो इसमें म्यूकोजा में आपको यू मस्ट रिमेंबर कौन सी एपिथीरियल लाइनिंग है पूरे जेक ट्रैक का सिस्टम यही है कि जब कभी हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो पहली कवरिंग होगी म्यूकोजा उसमें आप देखेंगे एपिथीलियम कौन सी है फिर उसके बाद देखना है कि लेमिना प्रॉपरिया है या नहीं है फिर कोई मस्कुलर लेयर है या नहीं ओके सो दैट इज कंपोजिशन नॉन एपिथीलियम ठीक है उसके बाद है सब म्यूकोजा इट कंटेन्स म्यूकसिक्रीडिंगल ग्लैंड कुछ ग्लैंड होंगे जिसमें से म्यूकस सिक्रीट होगा सब म्यूकोजा म्यूकोजा के नीचे सब म्यूकोजा ओके एंड देन देर इज मस्कुलरिस

मैंने आपको क्या बताया इसोफिकस की लुकेट um, uh, है so the अब बस पेशेंट्स जिनमें रिफ्लक्स डिजीज है अब यहाँ स्टमक के अंदर बहुत सारा एसिड मौजूद है रिफ्लक्स के पेशेंट में ये एसिड बार बार ऊपर जाता है यहाँ एपिथीलियम को इरिटेट करता है और जो एपिथीलियम है वो इसको हम नॉन करटना से कन्वर्ट हो जाती है इंटू कॉलोमर कोलोमनर एपिथीलियम सो दिस चेंज ऑफ एपिथीलियम और इस कॉलोमनर एपिथीलियम को हम नाम देते हैं बैरट्स बैरट्स एपिथिलियम कहीं लिखा भी होगा भी पढ़ाता भी हूँ आपको अब

में जब ये मेटाप्ले होता है तो उसे हम नाम देते हैं या या और इसमें कार्सिनोमा के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ठीक है तो हिस्टोलॉजी की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने बॉस याद रखनी है अच्छा अब क्लिनिकल कुछ बातें हैं जो इसोफिगस के हवाले से द लोअर एंड ऑफ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर ये बात मैंने कर ली इन पोर्टल हाइपरटेंशन दिस ओपन एंड फॉर्म विन इज डायटेशन विच इज कॉल्ड एसोफिजियल वेराइसिस तो होता बेसिकली ये है कि ये वाले डायग्राम आपने नजर में रखनी है इसोफिकस का लोअर एंड है यहां से ये ड्रेन कर रही पोर्टल सिस्टम में यहाँ से ये ड्रेन कर रहा है सिस्टमिक सिस्टम में सपोज लिवर के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है तो बैक प्रेशर होगा और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो इंगोर्स यानी डायलेट हो जाएंगी इनके लिए एक पर्टिकुलर मेडिकल टर्मिनोलॉजी है दिस इज कॉल्ड एसोफिजियल वेराइसिस ठीक है ये ये है कि जब इम्पॉर्टेंट क्लिनिकलॉइंट हो जाएंगी, blood in the vomiting. Now, ये पे दिखाइए देखिए कि ये का लोअर एंड है और ये यहां से कुछ जा रही होंगी टू पोर्टल सर्कुलेशन कुछ जा रही होंगी टू दिस्टामिक सर्कुलेशन अगर लिवर में कोई डैमेज है यानी फाइब्रोसिस वगैरह है तो इन कोऑर्डिनेशन इट में फेल टू डायलेट रिजल्टिया अब ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया इसी डायग्राम पे समझा देता हूँ एक अलाइजिया सो so, होता ये है कि जो लोअर एंड ऑफ इसॉफिकस है ये यूजुअली क्लोज होता है ठीक है और जब फूड आता है फूड का बोलस जब आप खाना खाते हो फूड पोलस यहाँ से गुजर जाता है उस वक्त सिर्फ ये खुलता है अच्छा बाज़ डिजीज ऐसी होती हैं अब ज़ाहिर इसके खुलने के लिए क्या होगा यहाँ पे जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स होना होगा मसल्स रिलैक्स होंगे तो वो ओपन होगा और फूड बोलस पास होगा बाज न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में ये होता है कि यहाँ जो मसल्स हैं वो रिलैक्स नहीं होते स्मूथ मसल्स हैं ना यहाँ पे लोअर एंड में वो रिलैक्स नहीं होते है, ठीक है क्योंकि नर्वस सप्लाई का प्रॉब्लम है न्यूरोमस्कुलर डिसेबिलिटी है अब अगर ये एरिया क्लोज रहेगा लोअर एंड ऑफ सॉफिकस ओपन नहीं होगा तो ज़ाहिर यहाँ फूड जमा होना शुरू हो जाएगा और इसोफिकस जो है वो डायलिट होना शुरू हो जाएगी इस कंडीशन को नाम देते हैं एक अलाइजिया इस का क्या हो इतना बड़ा, इस तो क्योंकि खाना यहाँ जमा हो रहा है आगे पास ऑन नहीं हो रहा दिस कंडीशन इज कॉल्ड एकेर एंड ऑफ दिसमेशन एंड अल्सरेन बाई रिगर्गिटेशन ऑफ एसिड फ्रॉम दिस की बात मैंने आपको बता दी ये वाला जो एरिया है यहां पे स्टमक में स्टमक यू नो इन योर स्टमक यू हैव लाइक बैटरी एसिड खतरनाक एसिड मौजूद है इस एरिया को इन्फ्लेम कर सकता है और अगर ये परसिस्टेंट है तो फिर इसको हम नाम देते हैं बैरट मैंने आपको बात थोड़ी देर पहले भी बताई कि बैरट इसोफिकस इज अ कंडीशन द स्क्वामस एपिथिलियम ऑफ द लोअर इसोफिकस इज रिप्लेसड बाय द कलमर एपिथीलियम ओके एंड दिस इज कॉल्ड बैरटीलियम और यहां पे कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं Esofugal Carcinoma is because of Barrett's esophagus because of continuous insult. Okay, now there is another condition which is called hiatal hernia, occurs through the esophageal opening and can be rolling or para-rolling or uh, sliding. There are different types of this hernia. So, for example, if you look at this diagram. ये इसोफिजियल ओपनिंग है डायफ्राम में सो दैट इज द डायफ्राम यहाँ पे इसोफिजियल ओपनिंग है जिसमें से गुजर रहा है समटाइम्स स्टमक उस ओपनिंग में से ऊपर हर्निएट कर जाता है अगर स्टमक इस, इस तरह हर्निएट करता है जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है दिस इज नोन एज हायाचल हर्निया रोलिंग कैटेगरी ओके रोलिंग कैटेगरी मतलब पार्ट ऑफ द स्टमक फंडस स्लाइड्स अप इन दी

एबनॉर्मल एम्प्रोलॉजिकल स्टफ ये है कि जो इसौफिक, देखो, इसौफिक इस एक ट्यूब है ना सो दैट्स ट्यूब जिसमें से फूड ने गुजरना है समटाइम्स ये जो ट्यूब है उस ट्यूब का ल्यूमन नहीं बनता है यानी यहाँ पे बीच में टिश्यू होता है सेल होता है इसको हम कहते हैं कैनाल फॉर्मिंग प्रॉब्लम केनाल एक कैनाल बन रही है ना इस कैनालाइजेशन का प्रोसेस अफेक्ट होता है देखो बॉडी में गेम यह है कि जब ऑर्गन बनते हैं स्टार्ट में इट्स अ सॉलिड ऑर्गन और, और बीच में इस एरिया में फिर एपोप्टोसिस होती है एपोप्टोसिस के साथ यहाँ पे कैनाल बन जाती है अगर एपोप्टोसिस एबनॉर्मल होगी तो कैनाल नहीं बनेगी तो पर्पस खत्म हो गया ना इस ट्यूब का इस ट्यूब का काम क्या था फूड पार्टिकल को नीचे लेके जाना है स्टमक में तो अगर कैनाल नहीं बनेगी तो दैट्स अ प्रॉब्लम सो इन सम वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ऑफ द इस ऑफिगस में एबनॉर्मली बी नैरोड ड्यू टू इम प्रॉपर कैनलाइजेशन इट मे नॉट बी कैनलाइज एट ऑल यानी कि बिल्कुल कैनलाइजेशन नहीं होगी सो ये सारे एम्बोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकते हैं एबडोमिनल पार्ट ऑफ सॉफिकस जो है ना यार छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या क्या चीज़ें मैं जरा हाईलाइट कर दूँ हाई ईल्ड है आपके लिए आपको लाजमी पता होनी चाहिए एक तो ये कि इसका साइज कितना है एबडोमिन के अंदर वन पॉइंट फाइव फिर किस लेवल पे डाइफ्राम में ओपनिंग है टी टेन किस लेवल पर ये स्टमक में एंटर होता है टी इलेवन आपको ये पोटोसिस्टमिक इनास्टिज वाली जो बात बताई ना यार ये एसोफिशियल वाली बहुत इंपॉर्टेंट है हर कोई पूछता है पता होना चाहिए कि लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जा रही है पोर्टल वेन के अंदर और ऊपर जो अपर एसोफिजियल वीन हैं वो एंटर हो रही है सिस्टम के अंदर ठीक है ना फिर हिस्टोलॉजी मालूम होनी चाहिए कि एपिथीलियम कौन सी है कौन सी में कन्वर्ट हो जाती है तो बैरट कहते हैं कैंसर से इसका लिंक पता होना चाहिए फिर यहाँ जितनी क्लिनिकल आपको टर्म्स बताइए ना एक एलिजिया पता होना चाहिए आपको बैरट सिस क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए ट्रेको एसोफिजियल फिस्टम